बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको भाई एक खबर से अपडेट करना चाहता हूँ मैं। इसमें एक चीज मैं पहले बताऊँ आपको कि मैं एक मुकम्मल वीडियोस आपके साथ, यानी कि मुकम्मल से मुराद ये है यार, मैं तकरीबन 8-10 वीडियो इसी मौजू के ऊपर बनाकर लाइव शेयर कर चुका हूँ। जद्दा सफारा से आपके साथ मैं बहुत सी वीडियो, यानी कि जद्दा में सफारा में चला जाता था लाइव, वहाँ पर बैठकर आपके साथ बहुत सी वीडियो आपके साथ शेयर करता था, यानी कि मुख्तलिफ मामलात को लेकर, इकामा एक्सपायर है अब क्या करें, नकल कफाला करवाना है क्या करें, अखरूज जाना है क्या करें, हरूब है मतलूब है, यानी कि आपको सफारा से, पाकिस्तानी सफारा से कौन सी सहूलियत मिल सकती है। और आप यकीन करेंगे एक बात के ऊपर, मैं बनी मालक में आपको पता ही रहता था, अभी तो पाकिस्तान में आया हूँ, बनी मालक से पाकिस्तानी सफारा जो कि फलस्तीन मोबाइल मार्केट है जी, मोबाइल मार्केट की बैक साइड पर है, तो बनी मालक से पाकिस्तानी सफारा तक पैदल जाता था और रास्ते में वीडियो आपके साथ बनाता था, मैं जा रहा हूँ वहीं पर पहुँच गया हूँ, ये है वो है, बहुत से मामला का शेयर करता था। क्योंकि मैं ये जब ये न्यूज़ शेयर करता हूँ ना, उसके नीचे बहुत से कमेंट आते हैं मुझे दोस्त अखबाब के, भाई आप ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, मेरा ये मसला है, ये मेरा मसला है, तो मैं इसलिए पहले ये बताना मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इसके मुतल भाई बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर ही पड़ी हुई हैं। अभी बात ये है जी कि आपको सबसे पहले एक मैं चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर जहाज बना हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तरहील यानी कि जेल के थ्रू, कितने हैं जी, 12,315 अफराद सिर्फ पिछले 6 दिनों के अंदर, 12,315 अफराद पिछले 6 दिनों के अंदर सऊदी अरेबिया की जेलों से निकाले गए हैं। जेलों से मुराद ये है कि रियाज एंड जद्दा की जेल से, जैसे कि जद्दा में शिमेसी जेल है, ठीक है जी, आप किसी भी शहर में पकड़े जाए वहां से आपको रियाज जद्दा में मुंतकिल किया जाता है, उसके बाद वहां पर आपको 8-10 दिन 15 दिन रख कर उसके बाद आपको डीपोर्ट यानी कि तरहील किया जाता है। उसके बाद अगर मुकम्मल रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं मैं, तो जो देख रही 15,209 अफराद इस पिछले 6 दिनों के अंदर भाई गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें मुखालफ निजाम अल इकामा, जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर थे, उनकी तादाद देख लें 9,337 अफराद, कितने 9,337 अफराद भाई इकामा एक्सपायर वाले गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा मुखालफ निजाम अमन अल हदूद, जो गैर कानूनी तरीके से इंटर या निकलने की कोशिश करते हैं, 3,996 अफराद यानी कि 4,000 बंदे हैं जी। और उसके आगे मुखालफ निजाम अल अमल है जी, ये 1,876 अफराद हैं, यानी कि इनमें साय खास एंड अमल मंत्री वगैरह वाले आ जाते हैं, जो बाहर काम करते हैं अपना खुद से कफील के साथ एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, जब वो भी हाथ लग जाए काम के ऊपर बाहर तो उनको भी पकड़ा जाता है, तो 1800 प्लस में ये बंदे भी थे। ये एक पीक की रिपोर्ट थी जी, जो वजारत दाखिलिया की तरफ से, यानी कि अगर सीधे अल्फाज में मैं आपको बता दूँ तो जवाजात की तरफ से बताई जाती है।